समस्त कठिनाइयों का समाधान भगवत गीता द्वितीयोऽध्यायः नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। तत्वदर्शियों ने ये निष्कर्ष निकाला है कि असत का तो कोई चिर स्थायित्व नहीं है, किंतु सत अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा ये निष्कर्ष निकाला है। तात्पर्य, परिवर्तनशील शरीर का कोई स्थायित्व नहीं है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने भी ये स्वीकार किया है कि विभिन्न कोशिकाओं की क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा शरीर प्रतिक्षण बदलता रहता है। इस तरह शरीर में वृद्धि तथा वृद्धावस्था आती रहती है, किंतु शरीर तथा मन में निरंतर परिवर्तन होने पर भी आत्मा स्थायी रहता है। यही पदार्थ तथा आत्मा का अंतर है। स्वभावतः शरीर नित्य परिवर्तनशील है और आत्मा शाश्वत है। तत्वदर्शियों ने, चाहे वे निर्विशेषवादी हों या सद्गुणवादी, इस निष्कर्ष की स्थापना की है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि विष्णु तथा उनके धाम स्वयं प्रकाश से प्रकाशित हैं, तथा असत शब्द आत्मा तथा भौतिक पदार्थ के ही द्योत हैं। सभी तत्वदर्शियों की ये स्थापना है। यहीं से भगवान द्वारा अज्ञान से मोहग्रस्त जीवों को उपदेश देने का शुभारंभ होता है। अज्ञान को हटाने के लिए आराधक और आराध्य के बीच पुनः शाश्वत संबंध स्थापित करना होता है, और फिर अंश रूप जीवों तथा श्री भगवान के अंतर को समझ सकता है। आत्मा तथा परमात्मा का अंतर अंश तथा पूर्ण के अंतर के रूप में है। वेदांत सूत्रों श्रीमद् भागवत में परमेश्वर को समस्त उद्भवों का मूल माना गया है। ऐसे उद्भवों का अनुभव परा तथा अपरा प्राकृतिक क्रमों द्वारा किया जाता है। जीव का संबंध परा प्रकृति से है, जैसे कि सातवें अध्याय से स्पष्ट होगा। यद्यपि शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है, किंतु शक्तिमान को परम माना जाता है और शक्ति या प्रकृति को कौन। अतः सारे जीव उसी तरह परमेश्वर के सदैव अधीन रहते हैं, जिस तरह सेवक स्वामी के या शिष्य गुरु के अधीन रहता है। अज्ञान अवस्था में ऐसे स्पष्ट ज्ञान को समझ पाना असंभव है। अतः ऐसे अज्ञान को दूर करने के लिए सदा सर्वदा के लिए जीवों को प्रबुद्ध करने हेतु भगवान भगवद गीता का उपदेश देते हैं।